पूर्वांचल की कला साहित्य संस्कृति को विस्तार देने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था के तत्वावधान में पूर्वांचल कला सम्मान समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र नायक, विजय नारायण सिंह, कार्यक्रम के आयोजक विक्रमादित्य नारायण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कला साहित्य नृत्य में प्रतिभाग करने वाले विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, विवेकानंद जी भी कहते हैं कि भारत के प्रथम नृत्य शैली को प्रस्तुत करने जो बच्चे हैं लड़के हैं उनके अंदर की औरत देखिए अब और करना है जिनके अंदर कुछ कला जानते हैं क्यों
इस नाते कि हमारे समय में लोग कहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, उनको ही लगता था कि प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा, पैसा भी प्राप्त करेगा। अब तो खेल में से इतना पैसा हो गया है, जो कहते हैं रणजी खेलवा दीजिए, फुटबॉल में करा दीजिए, हॉकी में करा दीजिए। विधाओं के प्रति अपना समर्पण हर विद्यार्थी का होना चाहिए। जानवी पांडे, हिना शुक्ला।